वेल दोस्तों, अगर आप रील्स बनाते हो और अगर आप किसी की रील आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और आप उसका ऑडियो लेके अपनी रील आप बनाना चाहते हो, तो वो आप VL एडिटर के अंदर कैसे कर पाओगे। यानी VL एडिटर के अंदर मैं आपको ऑडियो अलग करना, यानी वीडियो से ऑडियो को अलग करना बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मेरे सामने VN एडिटर के अंदर एक मीडिया क्लिप है और इस मीडिया क्लिप में मेरे पास कोई म्यूजिक नहीं है। और अगर हमें किसी दूसरे की जो इंस्टाग्राम रील से उसकी ऑडियो हमें यहाँ पे कॉपी करके बनाना है अपनी रील, तो वो कैसे करेंगे? सिंपली हम एंड में आएंगे और यहाँ पे प्लस पे आइकन पर क्लिक करके वीडियो फाइंड करेंगे। और अब आपको वीडियो जो है, वो रील जो है जिसका आप कॉपी करना चाहते हैं ऑडियो, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। और जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो आपकी डाउनलोडेड और रील है और उसको क्लिक कर देना है और उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है टाइमलाइन के अंदर। और ये देखिए हमारी वो क्लिप जो आ चुकी है, इसके अंदर मैं सुना देता हूँ आपको जो म्यूजिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और ये पूरी की पूरी क्लिप है और इस क्लिप की मैं ऑडियो जो है वो यहाँ पे रील्स में यूज करूंगा इस वाली वीडियो में। ओके, सो जस्ट आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए ऑडियो को अलग कर लेना है वीडियो से। तो आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो क्लिक करना है और ये वीडियो से ऑडियो अलग हो गई, यानी डिटैच हो गई। देन आफ्टर आपको क्या करना है, इस वाली ऑडियो पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे ले आना है, इसको रख देना है। ओके, और देन इसको आपको डिलीट कर देना है। ओके, हमने ऐसा इसलिए किया, पहले ड्रैग कर लिया क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको डिलीट कर देता पहले ही, तो ये ऑडियो भी उसके साथ चली जाती क्योंकि सेम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो मर्ज थी। चलिए ये आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपकी जो ऑडियो है वो आपकी म्यूजिक के साथ लग गई। अब इस ऑडियो के अंदर आप कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और ऑडियो आपकी वीडियो के अंदर लग गई है। देखिए तो ऐसे आप दोस्तों किसी भी रील का जो ऑडियो है वो आप एक्सट्रैक्ट यानी डिटैच कर सकते हो VN एडिटर के अंदर, ताकि आप अपनी रील्स बहुत ही अच्छे से आप बना सकते हो।